और एक और एक और आगे। मैं भी चाहता था, माया आज बड़े शबाब पर है बहुत मुश्किल से कभी कभी कवि सम्मेलनों में भी या अन्य काव्य गोष्ठियों में भी इतनी ऊंचाई की चीज ये और इतनी ऊंचाई से सुनाती हैं, छलक जाती हैं, माया के लिए कह रहा हूँ, छलक जाती हैं ये रस की प्याली की तरह, छलक जाती हैं ये रस की प्याली की तरह, दिन में होली की तरह, रात दिवाली की तरह। आज तो इनसे सुनने की वास्तव में इच्छा है। क्यों इच्छा है कि अभी इसके अधर पर अन कही कुछ बात बाकी है, अभी इसके अधर पर अन कही कुछ बात बाकी है कि जैसे सज चुकी दुल्हन मगर बारात बाकी है। जितना सुनो कम है, मैं जानता हूँ राज माया बहुत मूड में है। लीजिए, क्या पता विनू भाई ने क्या कह दिया लीजिए, एक मेरी इच्छा है, एक मैं छोटा सा एक ऐसा छंद सुनाना चाहती हूँ। कन्हैया ढाई दो ढाई साल के हैं। अच्छा, क्या बात है, सुनिएगा इसे। दो ढाई साल का बच्चा अगर पहली बरसात देखे तो उसमें उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा। ऐसे ही यशोदा ढूंढ रही है और कन्हैया उस बरसात में भीग रहे हैं। तो इसमें एक देखिए श्लेष आया है, श्लेष अलंकार, इसमें कैसी क्या बात कहने की कोशिश की है कि घनश्याम ही बरस रहे हैं और घनश्याम ही भीग रहे हैं। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि घनन घन घन श्याम बरसत हुलस हंसी घन श्याम भीग रहे। क्या बात, घनन घन घन श्याम बरसत हुलसी हंसी घन श्याम भीजत। तो चलत अटपट गिरत लटपट उठत चटपट मुड़त झटपट। क्या बात, चलत अटपट गिरत लटपट उठत चटपट मुड़त झटपट करी हथेली बूंद निरखत, करी हथेली बूंद निरखत देख मोतिन हंसत परखत। समझते हैं, मोती है तो परख रहे हैं, ये है क्या। बच्चा जैसे करता है, बूंद आ जाए तो ऐसे दिखता है। क्या चलत अटपट गिरत लटपट उठत चटपट मुड़त झटपट करी हथेली बूंद निरखत देख मोतिन हंसत परखत और बूंद बिखरत मुंह बिसूरत, बूंद बिखरत मुंह बिसूरत कबहू खींचत कबहू भींचत हुलत हंसी घन श्याम बीचत। उनके दो दांत निकले हैं, चमक रहे हैं। तो देखिए क्या कहने की कोशिश की कि कान किलकत दतुरी दमकत, कान किलकत दतुरी दमकत छिपत दामिनी पलक झपकत। जैसे दामिनी चमक गई हो, बिजली चमक गई हो। कान किलकत दतुरी दमकत दिक्षिपत दामिनी पलक झपकत छन छन नन मेह बरसत झन झन नन नूपुर बाजत और चरण चूमत मेघ हर्षत। इन पंक्तियों पे आशीर्वाद चाहूंगी, मुरारी बापू सुनिएगा, इसको सुनिएगा। के झन झन नन मेह बरसत छन छन नन मेह बरसत झन झन नन नूपुर बाजत चरण चूमत मेघ हर्षत और छू सकत नहीं गगन तरसत। चरण चूमत मेघ हर्षत छुई सकत नहीं गगन तरसत हुलसी हंसी घन श्याम भीजत, हुलसी हंसी घन श्याम भीजत। अब यशोदा आती है, जैसे एक साधारण माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है, वो भगवान नहीं समझ रही है, वो समझ रही है मेरा बच्चा कहाँ गया, ढूंढ रही है। के वेगी धावत चकित हारी भुवन भुवन अंगन अटारी, वेगी धावत चकित हारी भुवन भुवन अंगन अटारी नाम लय यशोदा पुकारी कित गयो ललना बिहारी। नाम लय यशोदा पुकारी कित गयो ललना बिहारी। तो दीठी परत दृष्टि पड़ते ही दीठी परत प्रीत बाढ़ी, दीठी परत प्रीत बाढ़ी श्याम भीजत देख रीजत हुलसी हंसी घन श्याम भीजत, हुलसी हंसी घन श्याम भीजत। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, जैसे एक माँ बच्चे को उठा लेती, ठंड ना लग जाए फौरन उड़ा देती, भीग रहे थे। कि हर हर आए हृदय लगावत,
हर हर आए हृदय लगावत गोद ले अचरा उड़ावत। क्या बात है। हर हर आए हृदय लगावत गोद ले अचरा उड़ावत श्याम मचलत कुन मुनावत बिछल जात न हाथ आवत। श्याम मचलत कुन मुनावत बिछल जात न हाथ आवत मात को रही रही छकावत भुइन लोटत कछु न मानत हुलती हसी घन श्याम बीजत घन घनन घन श्याम बरसत हुलती हसी घन श्याम बीजत। भाई जोर से ताली बजाइए। वाह 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 महाराज जितना धन्यवाद दिया जाए तुम्हारी घोषणा को बहुत ही अच्छा भाई वाह 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 माया। एक मुझे एक छंद और याद आ गया सुनाना चाहती हूँ आज्ञा लेके। जब तक जिस समय महाराज आप उठना चाहते जरूर उठ जाइए। लोग तो मुझे नहीं लगता कोई नहीं उठेगा उठने नहीं देंगे किसी को। हाँ माया सुनाओ बहुत अच्छा। हास्य रस तो बहुत सुनते हैं आप लोग आजकल। हास्य रस का बोलबाला है सटायर का बोलबाला है। गीत खो गए हैं छंद खो गए हैं कोई सुनना नहीं चाहता। लोग चाहते हैं सिर्फ कुछ तभी तो फिल्मों में मुझे लिखना पड़ता है फिल्मों में ऊट पटांग गाने। हम भी पागल तुम भी पागल ते 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 सुम्मी सुम्मी ते 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 सुल्लू सुल्लू ते 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 सुम्मी सुम्मी। मैंने लिखा है हिट है गाना लेकिन वो वहां सुख नहीं मिलता मुझे आराम नहीं मिलता। लेकिन रोटी चाहिए करती हूँ काम। जैसे कोई अच्छा कवि हो कोई अच्छा वो काम कर रहा हो पान की दुकान खोल ले। मैंने भी एक पान की दुकान खोल रखी लेकिन मेरा मन वहां रमता नहीं। मैं आज ही प्लेन में मनर जी से कह रही थी मेरा मन होता है मैं फिल्मी दुनिया छोड़ दूं। 550 गीत लिख चुकी हूँ क्या फायदा। लेकिन फायदा ये होता है जब आप लोगों के बीच में बैठ के कुछ सुनाती हूँ और आपका प्यार मिलता है मुझे और कुछ नहीं। आज मैं वो गीत जो मैं पढ़ना चाहती हूँ अगर मैं मंच पे पढ़ दूं तो हूटिंग हो जाए सुने ही नहीं कोई इसलिए सुनाती नहीं। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद इस समय ऐसा प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं इसलिए सुना दूं। उधो ने उधो को बुला के कृष्ण ने कहा कि अरे सुनो उधो तुम जाओ ब्रज में वहां एक राधा नाम की स्त्री उसको तुम देखना बहुत सुंदर है। पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह खिली हुई है वो कदम के फूल की तरह। कदम का फूल तो आप लोगों ने देखा होगा गोल होता है गुच्छे के रूप में गुच्छा होता पूरा समझिए। कदम के फूल की तरह राधा खिली हुई है। तो बड़े खुश होते हैं उद्धव जी जाते हैं वहां जाके एक पत्र लिखते हैं कन्हैया को। क्या लिखते हैं के पूनम को नहीं चांद मिल्यो पूनम को नहीं चांद मिल्यो तोरी राधा मावस रात सी है गई। पूनम को नहीं चांद मिल्यो तोरी राधा मावस रात सी है गई। और कहा कहो क्या कहूं कहा कहो लिखबो नहीं जाए वह एक जुआरी की मात सी है गई। जुआरी जैसे मात खा जाता है वैसी राधा हो गई। कहा कहो लिखबो नहीं जाए वह एक जुआरी की मात सी है गई। और तैने कदम को फूल कही तुमने कहा था कदम के फूल की तरह। तैने कदम को फूल कही वह कदम तले झरे पात सी रह गई। तैने कदम को फूल कही वह कदम तले झरे पात सी है गई। आओ हरी ब्रज डूबत राधा बिना बदरा बरसात सी है गई। आओ हरी ब्रज डूबत राधा बिना बदरा बरसात सी है गई। राधा से हर चीज छूट गई सिर्फ एक चीज नहीं छूटी क्या के कान्ह कहाँ तुम कान्ह कहाँ कही भूमि गिरे सिर फोरत राधा। कान्ह कहाँ तुम कान्ह कहाँ कही भूमि गिरे सिर फोरत राधा। कहा भयो सखियां कहती क्या हुआ। कहा भयो तनि पूछा हु नैनन सूप सो आंसू पछोरत राधा। कहा भयो तनी पूछा हु नैनन सूप सो आंसू पछोरत राधा। तो साज छुट्यो सिंगार छुट्यो अंग ओढ़निया नहीं ओढ़त राधा। साज छुट्यो सिंगार छुट्यो अंग ओढ़निया नहीं ओढ़त राधा। भूख छुटी अरु प्यास छुटी
पर बांसुरिया नहीं छोड़त राधा, भूख छुटी या प्यास छुटी पर बांसुरिया नहीं छोड़त राधा।